नमस्कार फ्रेंड। तो कैसे हैं आप दोस्तों? जैसे कि आप सबको पता है कि बांग्लादेश में गृह युद्ध चालू हो चुका है और देश के प्रधानमंत्री भाग चुका है, और सबसे बड़ी दुख की बात है कि लोग इसको स्टूडेंट की लड़ाई बोल रहे हैं, जबकि है नहीं। आप क्या समझते हैं स्टूडेंट की लड़ाई है? स्टूडेंट होता है ऐसा? फ्रेंड, जैसे कि अपने भारत की मैं बता रहा हूँ, भारत के कुछ लोग भौंक रहे हैं। इंसान तो भौंकते नहीं है, लेकिन कुछ अब ज़्यादा आप सब बोल नहीं सकते। यूट्यूब नहीं तो यूट्यूब अब मेरे चैनल को स्ट्राइक लगा देगा, तो कुछ लोगों का भौंकना है कि यही हर्ष भारत का हो सकता है, ये सब भारत में हो सकता है, ऐसा विरोध भारत में। अरे भैया, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आप लोग खुश हो कि भारत में हो और अभी भी जिंदा हो, तुम्हारे पिछवाड़े लाल नहीं हो अभी तक। नहीं तो ये शब्द बोलने से पहले तुम्हारे पिछवाड़े लाल होना चाहिए, तुम लोगों का पिछवाड़े लाल हो जाना चाहिए था। और वो लोग जो कहते हैं ना कि ये स्टूडेंट जीत गई, स्टूडेंट सरकार की हार हो गई, स्टूडेंट लोग जीत गए, तो भैया ये कोई स्टूडेंट नहीं है, ये जमात इस्लाम का किया जा रहा है और पाकिस्तान का किया जा रहा है। और दुख की बात यह है कि दोस्तों, कहीं पर भी अगर दुनिया में कहीं पर भी किसी भी मुल्क में किसी भी जाति धर्म के साथ अगर अन्याय होता है, हिंदू धर्म कुछ होते, तो दुनियादारी साथी पीटने आ जाते हैं, भैया ये खतरे में आ गया, दुनियादारी खतरे में आ गया, ये इसके साथ गलत हो रहा है, इसके साथ गलत हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है, अभी बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार हो रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। अभी अपने मैं बता रहा हूँ, भारत की मैं विपक्ष पार्टी की बता रहा हूँ, जिनको कोई उनके खिलाफ कोई अभी तक मैंने कोई भाषण नहीं सुना। उनके बांग्लादेश जो हिंदुओं की कत्लेआम हो रहे हैं, खुलेआम उनकी बहू बेटियों को बलात्कार हो रहे हैं, उस मामले में अब तक किसी ने कोई शब्द नहीं निकाला। लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड है उनके खिलाफ अभी, इसमें मुसलमानों की ये हार है, इसका वो है, दुनियादारी इसकी सरकार, वक्फ बोर्ड की सरकार उसकी ज़मीन हड़पना चाहती, ये बयान आ गया। लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कोई बयान नहीं सुना, बस इतना सुना है कि सरकार के साथ है। अभी तक बांग्लादेश के हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है, इसके पक्ष में अभी तक किसी ने कुछ, अभी तक मैंने तो नहीं सुना, आपने अगर सुना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि अगर दुनिया में कहीं पर भी कुछ किसी भी धर्म के साथ गलत होता है, तो दुनिया भर के मानवाधिकार पूरे चीख चीख के साथ ही पीटना चालू हो जाते हैं कि ये हुआ, गलत हुआ। लेकिन अब कोई सामने नहीं आ रहा। बांग्लादेश में सैकड़ों हिंदुओं की कत्लेआम हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को नंगे करके मारा जा रहा है, यहाँ तक कि उसकी जो क्या बोलते हैं गुप्तांग देख के वो क्वालिफाइड किया जा रहा है कि हिंदू है कि मुस्लिम है, कन्फर्म करके मारा जा रहा है उनको। ये बर्बरता हो रही है, लेकिन सब चुप। मानवाधिकार, दुनिया भर के अधिकार, अरे भैया मानव अच्छी बात है, दुनिया में देखो मानवाधिकार अच्छी है, इंसान के हक के लिए लड़ना सब कुछ अच्छा है और हर चीज़ की जरूरत पड़ता है, लेकिन मानवाधिकार जो है वो मानव के लिए, दानव के लिए नहीं। और मैं आजकल की बता रहा हूँ, अभी के जो मानव अधिकार है वो तो मानव के साथ दिखते, मानव से ज़्यादा दानवों के साथ दिखता है। जैसे आतंकवादी को क्या खिला रहा है, बिरयानी खिला रहा है कि नहीं, उसके सख्ती से पूछताछ किए कर रहे कि नहीं, क्या उसके साथ सख्ती से पूछताछ कर रहा है, कहीं उसको टॉर्चर तो नहीं कर रहे। जो इंसान सैकड़ों इंसान को मार के आया है, किसी का मर्डर करके आया है, किसी को कत्ल करके आ रहा है, कि जो एक आतंक मुजरिम हो, उनसे मानवाधिकार उनके पक्ष में आके खड़ा होकर इसके साथ कोई गलत ना हो, ये है मानवाधिकार। अरे जाओ ना जहाँ पे गली में, भारत के हर देश की गली चौराहे में जाकर देखो, कोई जो अमीर है वो गरीब को दबा रहा है, जो साहूकार है वो किसान को दबा रहा है, तो ये चीज़ जाके देखो ना, मानवाधिकार वही पे जा लगाओ ना। आप आ जाते हो मानवाधिकार वाले, अब क्यों चुप हो, अब आ जाओ मानवाधिकार वाले, जितने भी मानवाधिकार है, देखो बांग्लादेश में सरेआम क्या क्या घटिया लफ्ज यूज़ किया जाए इनके, इन लोगों के लिए। और बोलते हैं कि स्टूडेंट की लड़ाई, अरे घंटे का स्टूडेंट की लड़ाई है, स्टूडेंट की लड़ाई। दुनिया इन युवाओं को आंदोलनकारी छात्र कह रही है, युवा शक्ति कह रही है, लेकिन आप सोचिए कि ऐसे युवा छात्र कैसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी पूर्व प्रधानमंत्री के घर में घुसकर उनकी साड़ियां, उनके ब्लाउज, उनके अंडरगारमेंट्स, उनकी ब्रा, ये सब लूट लिए और इसके बाद उन्हें कैमरे पर दिखाकर इनका ऐसा तमाशा बनाया, ऐसा अश्लील तमाशा बनाया, जैसे कि ये हजारों लोग 76 वर्ष की शेख हसीना का उनकी गैर मौजूदगी में चीर हरण करके उनकी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। मानवाधिकार, अरे भैया तुम 76 साल की बुजुर्ग की तो इज्जत रख लेते, मानव यह है तुम्हारा आंदोलन का लक्ष्य और इन लोगों को चाहिए आरक्षण। अरे भैया तुम लोग किस्मत रह रहे हो कि तुम भारत में, नहीं तो अब तक पिछवाड़े लाल हो जाता और पहुंच जाता घर पे बुलडोजर। अरे भैया तुम लोग शुक्र मनाओ कि अब तक जिंदा हो, अब तक तुम लोगों को पब्लिक की जो टैक्स से पले भरे हो, ये तो अब तक पिछवाड़ा लाल कर देता तुम लोगों की। आर्मी चीफ ने पुलिस को सख्त निर्देश दे के रखा है कि तुम्हारे तरफ से कोई बोली नहीं चाहिए, और यहाँ तक कि जो आंदोलन है, आंदोलन का मैं तो आतंकवादी बोलूँगा, ये लोग पुलिस को भी टारगेट बना रहे हैं। पुलिस अगर उस पर कार्रवाई करेंगे तो पुलिस को टारगेट बना रहे हैं। अब ये लोग आ गए इस बाइक पे, अब इंसान जाए तो कहाँ जाए। सर किसी जिस देश की अगर कानून सच हो, उस देश में ऐसा कभी ऐसा हरकत नहीं होता, क्योंकि उससे पहले से उसके पिछवाड़े लाल कर दिया जाता। तो दोस्तों मैं बहुत कुछ बोल गया, अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ करना, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ना किसी मैं धर्म या रिलीजन के बारे में बोलूँगा, लेकिन जो हकीकत है वही बोलूँगा। और जैसे और एक बात है दोस्तों,
जैसे कि आज से कुछ साल पहले अभी बांग्लादेश में सताए हुए हिंदू बॉर्डर पर खिलाए ना, बहुत शक्ति दिखाया, अच्छी बात है, देश में घुसपैठिया नहीं होना चाहिए, बहुत शक्ति दिखाया जा रहा है, ये सब तैनात है। काश ये तैनात ही जब रोहिंग्या मुस्लिम भारत में घुसे थे तब होती और अच्छा। काश ये जो अपने रोहिंग्या को गोद में बैठा के हम खिला रहे हैं ना, हमारे देश के टैक्स का पैसा खा रहे हैं ना ये रोहिंग्या जो इन्हें हमारे गोद में बैठ के, काश ये शक्ति अभी जो शक्ति दिखाई जा रही है ये शक्ति उस टाइम दिखाना चाहिए था। और अगर मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बांग्लादेशी हिंदुओं को लाओ, ये सरकार का डिसीजन है, सरकार डिसीजन करेगी बांग्लादेशी हिंदुओं को क्या करना है, लेकिन कि हम सबको पता है कि हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग किया था, हम लोग पाकिस्तान को विभाजन कर दिया था, तो अभी सरकार की ताकि बांग्लादेश का भी दो टुकड़े हो जाए तो फिर ये लोग कायम पाएंगे। और फ्रेंड और एक बात बताना चाहूँगा, जैसे वर्ल्ड लेवल की कोई सर्वे होता है जिसमें बांग्लादेश को इन्हें शांति के लिए 64वें स्थान दिया गया, 63वें 64वें, और भारत को मिला है 116वें। आप इन लोग पता नहीं कौन से सर्वे किए थे, शायद भंग खा एन पी के सर्वे किए थे, ये होता है इनकी भंग सर्वे, जो कि इन देहादियों के देश को 64वें स्थान पर रखा और भारत को रखा है 116वें। तो ये टोटली इन लोग पता नहीं कौन से भंग के नशे में ये सर्वे करते हैं। और रही बात इन जिहादों की, तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो नेता कुछ छुटभैया नेता, जो नेता तो बोलना नहीं चाहिए, छुटभैया नेता जो बोल रहा है ना मोदी जी को टारगेट कर रहा है कि ये चीज़ भारत में हो सकती है, ये फिर इन्हें तानाशाही अच्छी नहीं है, अंत है अंत है। अरे भैया किस्मत वाले हो कि हमारे मोदी जी ने प्रधानमंत्री है इसलिए अब तक टिके हो, ये तो तुम्हारी तानाशाही अभी देखी क्या हो, पिछवाड़े लाल हो जाते अब तक। और ये कोई देश की जनता को ऐसे मैंने बेवकूफ़ मत समझो तुम, जो कि हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग, और आपस में गिराने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें किसी के खिलाफ भड़का दोगे और ये लोग भड़का जाएंगे। अरे भैया ये पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है जो जिहादियों का देश है, इसके पिछवाड़े पे वो मैंने जिहाद का झंडा गाड़ दिया और चलो जाओ शहीद हो के आओ, ये करोगे जन्नत मिलेगा, ये घंटा ये भारत है उधर जाओ अभी तक, नहीं तो पिछवाड़े तुम्हारे लाल होंगे और साले मिलोगे जेल में। तो दोस्तों ऐसे नेता की तो औकात ही नहीं है, इनकी बात करना ही दूर की बात, इनकी औकात नहीं कि साले इनके ये कोई बात करें। दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, तो आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आज बहुत दुख होता है कि हमारे हिंदू भाइयों के, मैं बात किसी रिलीजन की नहीं है, लेकिन इंसान शर्मसार हो रहा है, यानी शर्मिंदगी की हद पार चुकी है, यानी दरिंदगी की नंगा नाच हो रहा है बादल बांग्लादेश में, जो कि अब रुकना चाहिए। और अगर इन लोगों के आरक्षण की सरकार से लड़ाई थी तो ये लड़ाई अब तक चालू थी, अब तो सरकार भी भग गई है, अब करो ना, अब हिंदुओं पर अत्याचार करो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।